नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर हिमांशु सोस्तोगी। मैं आज आपको सीकेडी के बारे में बताऊंगा, क्रोनिक किडनी डिसीज क्या होती है, किडनी फेल क्यों होने लगती है दोस्तों, किडनी फेल होने पर क्या सिम्टम आते हैं, लोगों के पैर में सूजन क्यों आ जाती है, पैर एकदम फूल के गुब्बारा क्यों हो जाते हैं, अगर आप सो के उठते हैं आईलिड पे सूजन हो रही है तो हो सकता है ये भी एक सीकेडी का सिम्टम हो रहा है दोस्तों। और सीकेडी के क्या सिम्टम आते हैं, क्या क्या सिम्टम देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि सीकेडी है, आपको लैब टेस्ट कराने की जरूरत है या नहीं, और सीकेडी होने के बाद उनमें क्या क्या ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है, किडनी फेल होने के कारण लोगों को डायलिसिस की आवश्यकता क्यों पड़ने लगती है। आज ये पूरी वीडियो में हम जानेंगे कि सीकेडी क्या होता है, लोगों की किडनी क्यों फेल होने लगती है दोस्तों। हमारे पेट में एब्डोमेन पाई जाती है, बाइलेटरल होती है, दोनों साइड होती है, ये बीन शेप की होती है। किडनी का जो फंक्शन होता है दोस्तों वो वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करने का होता है और बाहर करके एक्सक्रीट आउट करना होता है। जो किडनी होती है वो हमारे जो हार्ट होता है, हार्ट का जो 20% ब्लड होता है किडनी की ओर जाता है, किडनी उसको फिल्टर करती है, जो एसेंशियल पार्ट होते हैं उसको ले लेती है और जो वेस्ट पार्ट होते हैं उसको बाहर कर देती है, फिल्टर करके यूरिन आउटपुट कर देती है। और जो एसेंशियल पार्ट में जैसे कि मिनरल्स जैसे रहते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और भी मिनरल्स रहते हैं जो एसेंशियल होते हैं बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए, जो बॉडी के लिए हेल्थी होते हैं उनको एब्जॉर्ब करती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर की तरफ फेंक देती है दोस्तों यूरिन के थ्रू, और ये ब्लैडर के थ्रू बाहर हो जाता है यूरेथ्रा पैसेज होके। एक इलेक्ट्रोप्रोटीन बनाती है जिससे SB मेंटेन होता है और ये कैल्शियम का भी डिपोजिशन जो नॉर्मल अमाउंट में रहता है वो बना के रखता है, और जो ज्यादा अमाउंट में अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको स्क्रीट आउट करता है दोस्तों। अगर किडनी थोड़ा खराब होने लगता है या फिर थोड़ा सा ज्यादा खराब होने लगता है तो उनका जो इम्पेयर्ड फंक्शन हो जाता है, इम्पेयर्ड फंक्शन होने की वजह से काम कम करने लगता है और ये सही से एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाती, जिसके कारण आपको किडनी फेलियर जैसी समस्या आने लगती है दोस्तों और सिम्टम आने लगते हैं। ये क्यों होता है, किन लोगों में ज्यादा देखा जाता है, जो लोग व्यक्ति डायबिटिक होते हैं, उनको 5 साल, 10 साल, 20 साल ऐसे डायबिटीज है, उन लोगों को खतरा ज्यादा हो जाता है ये सीकेडी का। जो क्रोनिक किडनी डिसीज है उनको ज्यादा खतरा रहता है, किडनी फेलियर का ज्यादा चांसेस हो जाता है। जिन लोगों को हाइपरटेंसिव की बीमारी रहती है, ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, बैलेंस रहता है जो ब्लड प्रेशर वो 140 90 से ज्यादा अगर आपका रहता है तो उनको भी ये चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं जिनको किडनी फेलियर के। या फिर जिन लोगों को ADPKD बीमारी होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलिस्टिक डिजीज, इसमें भी लोगों की किडनी फेलियर होने की तरफ जाने लगती है, उनको भी ये किडनी फेल ज्यादा देखा जाता है दोस्तों। नेफ्राइटिस जैसी समस्या एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उनमें भी ये समस्या ज्यादा देखी जाती है दोस्तों। प्रकार से क्लासिफिकेशन है, एक फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में ये इसमें सिम्टम ही नहीं आता, अगर आपकी किडनी 70% जो है वर्क करना कम कर देती है, 70% खराब हो गई है तो सिम्टम्स नहीं आते दोस्तों, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। और सिम्टम नहीं आने के कारण तो कुछ पता ही नहीं चलता रोगी को, हम उसे लगता है हम स्वस्थ हैं। और सेकेंड स्टेज में जिसमें कि सिम्टम्स दोस्तों आने लगते हैं अगर किडनी खराब हो रही है तो इसे सिम्टोमेटिक इसमें सेकेंड स्टेज में क्लासिफिकेशन किया गया है। प्रॉब्लम के बेसिस पे एक एक्यूट किडनी डिसीज कहा जाता है और सीकेडी दूसरा सीकेडी क्रोनिक किडनी डिसीज कहा जाता है। एक्यूट किडनी डिसीज और क्रोनिक किडनी डिसीज में इतना ही अंतर है दोस्तों। क्रोनिक किडनी डिसीज उसे कहते हैं जिसे जो किडनी डिसऑर्डर है अगर उनका सीरम किडनी 3 मंथ से ज्यादा अगर नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा हो रहा है तो उसे क्रोनिक किडनी डिसीज कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर उसको 3 महीने से कम है, अगर सीरम किडनी इम्बैलेंस या फिर जो नॉर्मल अमाउंट है उससे ज्यादा नहीं है तो उसे एक्यूट किडनी डिसीज में रखा जाएगा दोस्तों। ये कुछ 10-12 सिम्टम्स बताएंगे जिससे आप क्लासिफिकेशन कर सकेंगे, आपको जस्टिफाई कर सकेंगे क्या क्या सिम्टम आते हैं अगर आपको किडनी फेल हो रहा है तो ये 10-12 सिम्टम आएंगे दोस्तों। सबसे पहले जो यूरिन आउटपुट है, अगर कोई पेशेंट है तो उनका जो आउटपुट है यूरिन आउटपुट है इनमें कम हो सकता है दोस्तों, या फिर रात में बार बार अर्जेंसी लग सकती है, बार बार पेशाब लग सकता है, या फिर कभी कभी लगातार ही 1 से 1.5 लीटर तक यूरिन आउटपुट हो सकता है दोस्तों कभी कभी। अगर आपका जो स्मेल है यूरिन का वो थोड़ा सा बदबूदार ऐसा स्मेल आ रहा है, यूरिन का जो स्मेल है वो अच्छा नहीं आ रहा, आपको ऐसा लगता है कि गंदा जैसा स्मेल आ रहा है तो हो सकता है आपको क्रोनिक किडनी डिसीज हो रहा हो। अगर आपका दोस्तों यूरिन का जो कलर है वो थोड़ा सा
डिफरेंट आ रहा हो नॉर्मल रंग से, आपका डिफरेंट आ रहा हो तो हो सकता है आपको किडनी डिसीज हो रहा हो। अगर आपको कोई स्टोन है, कैलकुलस है, अगर उसकी वजह से आपको पार और पेशाब करने में दिक्कत आ रही हो तो जरूर तब भी आपका किडनी डिसीज हो सकता है, आपको किडनी फेलियर जैसी समस्या हो सकती है। अगर आपको लंबे समय से आपको स्टोन है, कैलकुलस है आपकी किडनी में, तब भी आपको ये समस्या देखने को मिल सकता है। दोस्तों लंबे समय से डायबिटीज है या फिर शुगर है या फिर उनको एसटीएन हाइपरटेंशन है जिसके कारण उनका किडनी फेल हो रहा है, उन लोगों को लंबे समय से जिन लोगों को किडनी डिसीज है उन लोगों को प्रोटीन भी आ सकता है पेशाब के रास्ते में, तो इसमें झागदार हल्का फुल्का जो यूरिन पास होगा झागदार होगा, और ये अगर अगर सिम्टम आते हैं दोस्तों तो हो सकता है आपको क्रोनिक किडनी डिसीज हो रहा है। दोस्तों तो आपको पेशाब आना चाहता है, प्रेशर भी लगता है पेशाब होने का, तब भी पेशाब नहीं हो रहा है तो ये भी हो सकता है दोस्तों। और साथ में जो किडनी जो एचबी बैलेंस करता है, एचबी कम होने का एरिथ्रोपोएटिन भी कम होने लगता है, तो बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाता है। देखा होगा जिन लोगों को सीकेडी रहता है, क्रोनिक किडनी डिसीज रहता है, उनके पैर एकदम फूल के गुब्बारा होने लगते हैं, पैर जब भी पेशेंट बैठा रहता है तो उसके पैर में सूजन आ जाती है, पैर फूल जाते हैं, या फिर जब भी पेशेंट रात में या फिर सुबह सो के उठता है तो उसके आंखों के आईलिड पे हल्का सा सूजन ऐसा रहता है, या फिर हाथों में सूजन ऐसा रहता है, लोअर लिम्ब में रहते हैं जो पैर नीचे रहते हैं उनमें ज्यादा ये समस्या रहता है, क्योंकि लोअर एरिया में ग्रेविटी के कारण जो फ्लूड हो रहा है, रिटेंशन हो रहा है, वो नीचे की तरफ होता है, इसलिए पिटिंग एडिमा बहुत ही कॉमन सिम्टम है सीकेडी में। दोस्तों किडनी होने के कारण, क्रोनिक किडनी डिसीज होने के कारण जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो नॉर्मल अमाउंट से नहीं निकल पाता, जो बॉडी जो किडनी का फिल्टर रेट है वो गड़बड़ हो जाता है, जिसके कारण जो वेस्ट प्रोडक्ट, जब किडनी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकाल पाती दोस्तों, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है जहां जहां जाता है तो वहां वहां वैसे सिम्टम आता है। अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट पेट में जा रहा है, स्टमक में जा रहा है, तो उसको उल्टी जैसा, जी मतली जैसा लगेगा। अगर उसको स्किन के चमड़ी के ऊपर जा रहा है, स्किन के चमड़ी स्किन पे जा रहा है, तो उसको स्किन रैशेस जैसे दिखेंगे, जिसको इंडेक्टेबल इचिंग बोलते हैं, जो काफी आसान नहीं होता दोस्तों ठीक करना। अगर ये आपके ब्रेन में जा रहा है तो कुछ पेशेंट को सीजर भी आ सकते हैं दोस्तों। अगर आपके लंग्स में जा रहे हैं, तो लंग्स में भी ये फ्लूइड बढ़ने का लगता है, और इसे काफी दिक्कतें बढ़ने लगती हैं, सांस का भी दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है, इन्फेक्शन बढ़ने के खतरे बढ़ जाते हैं, और प्यूरा इन्फ्यूजन जैसे खतरे होने जैसे, या फिर एसाइटिस होना जैसा ये सिम्टम आने लगता है अगर क्रोनिक किडनी डिसीज होने लगती है। अगर ये लॉन्ग टर्म से है तो आपको बहुत ही सोचने की जरूरत है, बहुत ही अलार्मिंग है, और अगर इनका जो मैनेजमेंट है इससे बढ़िया इनसे प्रिवेंशन है। अगर आपको डाइट मेंटेन रखेंगे, अगर आपका डायबिटीज है डायबिटीज मेंटेन रखेंगे, अगर आपको हाइपरटेंसिव है, ब्लड प्रेशर है ब्लड प्रेशर मेंटेन रखेंगे, तो आपको सीकेडी होने का चांसेस बहुत ही ना के बराबर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपका डायबिटीज बहुत लंबे समय से है तो डायबिटिक मेंटेन करके रखें, अगर आपका हाइपरटेंसिव है, अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता तो ब्लड प्रेशर 140/90 से कम करके रखें, अगर आपका जो डायबिटीज है जिनका जो ब्लड शुगर है वो 200 से ऊपर रहता है, तब भी उनको खतरे का अलार्म है, उनको कम करने की जरूरत है, प्रोटीन डाइट है वो भी काफी लो करें, लॉन्ग टाइम से नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग खाते हैं जैसे निमुसुलाइड, एसिक्लोफेनाइड और भी इटोरिकॉक्सिब, जो भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी मोस्टली जो ड्रग खाते हैं उनमें भी बहुत ही कॉमन है, क्योंकि ये आपके किडनी को टॉक्सिक करते हैं, जिसके कारण आपका कोई किडनी का रेट होता है, जो किडनी का फंक्शन होता है वो भी काम करना धीरे धीरे कम हो जाता है, जिससे सी किडनी जैसा सिम्टम होना स्टार्ट हो जाता है। अगर तो ये रहे इनके प्रिवेंशन के बारे में, अगर इनके ट्रीटमेंट है तो अगर बहुत लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर किसी लोग को जो सीरम किडनी है 5 के ऊपर चला जाता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो उन लोगों को डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है दोस्तों, अगर आपको सीकेडी हो रहा है तो। दोस्तों ये रही जानकारी सीकेडी के ऊपर, जो किडनी फेल होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उनके क्या काज हैं, उनके क्या ट्रीटमेंट है, तो जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।